सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप। मैं हूं जीत और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी रेसिडेंट इविल 4 की सीरीज को। सो गाइस, पिछले कुछ एपिसोड से हम एस्ली को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ज़ॉम्बियों के कंट्रोल में आने के बाद एस्ली हमसे दूर हो गई थी। लेकिन भाई, कैसे भी करके हमने पिछले एपिसोड में एस्ली को रेस्क्यू कर लिया है और अब हमें तब तक आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हमें लुइस नहीं मिल जाता, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो एस्ली को ठीक कर सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के सफर को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो भाई, फिलहाल हम रेमोन के ग्रैंड हॉल पर हैं और मुझे लग रहा है ना, अगर हमें यहाँ से आगे बढ़ना है सो शायद हमें कोई पजल वगैरह सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दरवाज़ा तो दिख नहीं रहा। और यहाँ पर एक स्टैचू है जिसमें शायद कोई चाबी वगैरह लगेगी या फिर इसका कोई मिसिंग पार्ट वगैरह हमें हो सकता है ढूंढना पड़े, तब जाके हमें आगे का रास्ता मिलने वाला है। अच्छा, ये तो सेम वही सिंबल है जो स्टैचू पर बना हुआ है। मतलब अगर हमें यहाँ से आगे बढ़ना है तो हमें उस स्टैचू के लिए 3 सर ढूंढने पड़ेंगे। क्या बात है भाई। सो फिलहाल हमें इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना है और उन 3 सर को ढूंढना है। बट मुझे यार कुछ अच्छी फीलिंग आ नहीं रही है, क्योंकि ये हो सकता है हमारे लिए ट्रैप भी हो। बट क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक राइट साइड पे सामने दरवाज़ा है और एक यहाँ पर है, इसी में चल के देखते हैं। और असली अगर कोई खतरा आता है सो प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहना। वैसे देखते हैं क्या सीन होने वाला है भाई। रिसोर्सेस भाई, गोली वोली मिल जाती तो ठीक है, रिसोर्सेस दे रहे हैं अपने को। अच्छा, एक स्टैचू का सिर तो दिख रहा है हमें। बट एक मिनट भाई, मामला थोड़ा सा संगीन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर वो साले ज़ॉम्बीज हैं। बट मैं भाग के जाता हूँ, चुपचाप से चोरी कर लूँगा। ओ भाई, ऐसे कैसे चोरी कर लूँगा। कोई बात नहीं, आ जाओ सालो, तुमको मारने के बाद चोरी कर लूँगा मैं उस सर को। वैसे यार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये देखो, ये जो जादू का असर हो रहा है ना, उस साले तांत्रिक की वजह से है। यानी कि सबसे पहले अगर हमें यहाँ से बच के निकलना है तो उस तांत्रिक को निपटाना पड़ेगा। ओ शिट भाई, जब तक ये साला मंत्र पढ़ता रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। दूर चल साले। ये देखो, इस टकले को देखो। ओ शिट शिट शिट, मेरा ध्यान टकले की तरफ था और पीछे से किसी ने ठोक दिया अपने को। ओ भाई, लड़की को रख दे यार, इतने ढीठ गुंडे मैंने आज तक नहीं देखे। ओ यार, मुझे लग रहा है ना कि सबसे पहले उस तांत्रिक को रोकना पड़ेगा पहले। साले हेलमेट लगा कर आते हो। ओए रख दे भाई, लड़की को रख दे यार, इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे बचाया है अभी पिछले एपिसोड में। दूर चल साले। एक काम करते हैं यार, फटाफट से हम ना बालकनी में चलते हैं और उस तांत्रिक को मारते हैं पहले, नहीं तो ये ऐसे साले खतरनाक ज़ॉम्बीज पैदा होते रहेंगे। आ जाओ सालों, पास में आ जाओ थोड़ा सा। वैसे एक चीज़ है भाई, जो ये टेंटिकल्स वाले खतरनाक ज़ॉम्बी है ना, वो फ्लैश ग्रेनेड से मर जाते हैं। इसके लिए मेरे पास कोई तगड़ा वेपन है क्या? ओके, मेरी राइफल गन। दूर चल साले। ओ भाई, रास्ते में खड़े। एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा साइड दीजिए, हमें आपके मालिक को मारना है मुझे। भाई तू मंत्र मत पढ़ना प्लीज, थोड़ी देर और रुक जा।
हो यार, ये भी मारते हैं। एक मिनट, फ्लैश ग्रेनेड जल्दी से, और सालो आप किक खाओ। और यार इनको मारने से पहले मुझे एसली को बुलाना होगा, मतलब सॉरी बचाना होगा, क्योंकि अगर वो एसली को लेकर भाग गया ना तो अपना मिशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ओ भाई रुक जा यार, साले क्या करेगा लड़की को ले जाकर, हैं इस टकले का मैं सर खोलने वाला हूँ। एसली तो फिलहाल सेफ है, और अब चलते हैं भाई उस बॉस की तरफ हम। यार वो फिर से मंत्र पढ़ने लगा, और मुझे ना राइफल गन यूज़ करनी पड़ेगी, तब तो इनका सील टूटेगी सालों की। तो यार इसके मंत्र के कारण ना ये साले गंदी नाली के कीड़े बन जाते तुरंत। क्या परफेक्ट शॉट है भाई, चीजें ब्लर हो रही हैं फिर भी शॉट तो क्लियर मिल रहा है। एक मिनट तू का रुक जा भाई, सबसे पहले तो मैं तुझे ठोकता हूं। ये क्या चीज है यार, तूने अपना बुलेट प्रूफ कहां से बनवाया भाई, जॉन विक के सस्ते चाचा। ये ऐसे नहीं मरने वाला क्या यार, किखा साले। भाई मेरी गोलियां खत्म हो रही हैं, और एसली तुम तो पहले जल्दी से उठो। ओह शिट 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 शिट, सबसे पहले तुझे यार इनसे निपटना पड़ेगा, और शायद मेरे सारे एमोस खत्म हो गए हैं यार। एक मिनट यार, मेरे पास कुछ नहीं है, एक बॉम्ब तक नहीं है कि मैं इनको उड़ा सकूं। रुक जा भाई, सबसे पहले तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने को। आ जाओ सालो, तुम बस मेरे पीछे रहना, लड़की के पीछे मत जाना। यहाँ पर क्या है, ओके मशीन गन की गोलियाँ, ठीक है भाई कुछ तो मिला अपने को। आ जाओ भाई लोग, दूर क्यों हो। भाई मेरी पूरी मशीन गन खाली हो गई, और असली तुम प्लीज़ पीछे क्यों भाग रही हो, मेरे साथ रहो। यार इनको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये गर्दन काट के ले जाएंगे मेरी। हट साले, दूर चल। भाई फिर गोलियां ख़त्म, आ और एक बचा हुआ है। इसमें क्या है भाई, शॉर्ट गन, क्या बात है यार, अभी तक कहाँ थी शॉर्ट गन की गोलियां। आजा भाई, अब थोड़ा सा पास में आजा तू, कोई डर नहीं मुझे। हाँ साले नाच क्या रहा है, एक जगह स्टेबल रहे। फाइनली भाई 5 मिनट ताबड़ तोड़ फायरिंग करने के बाद ये सारे मर चुके हैं, बट एक काम करते हैं, इस जगह को ना हम फटाफट से लूट लेते हैं, और फिर बालकनी में चल के उस सीढ़ी को ऊपर करते हैं जिसको इन्होंने नीचे कर दिया था। ये साले तांत्रिक यार, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई, जब भी इन तांत्रिक्स को देखो सबसे पहले इनको ठोको। और भाई मुझे एक मुंडी हासिल करने में इतनी दिक्कत हुई है, सो पता नहीं बाकी दो में क्या होने वाला है अपना, बट कोई नहीं, जब एक को निपटा लिया है सो औरों को भी निपटा ही लेंगे। अच्छा शायद ना मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा, ओके नीचे से कोई रास्ता नहीं था वहाँ तक पहुँचने के लिए। बकरी की मुंडी, वैसे साले अलग अलग क्यों रखते हो भाई, थोड़े गुंडे और भेज देते, सारी चीज़ें एक ही जगह पर रख देते। शॉर्ट गन की गोलियाँ, और यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं,
ये बात किसी किसी में साला अच्छी चीजें मिल जाती है अपने को बहुत ज्यादा सी। सो चलते हम यहाँ से, लेकिन नहीं 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 नहीं, अभी ये बचे हुए हैं रक्षा करने के लिए। आ जाओ सालो, इनके लिए शॉट गन यूज़ करना पड़ेगा यार। वैसे मैं यूज़ तो नहीं करना चाहता था, बट मारना तो पड़ेगा। यार एक चीज़ मैंने गेस की, राइफल तो अपनी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और शॉट गन का कोई जवाब ही नहीं है। बट मुझे लगता है ना, जब भी मेरे पास अच्छे खासे पैसे होंगे और मर्चेंट जब भी दिखेगा, मैं अपनी मशीन गन को थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही है। तो ठीक है भाई, हमने एक गेट को क्लियर कर लिया है और अब हम चलते हैं इस सामने वाले गेट पर। और पता नहीं यार यहाँ पर क्या होने वाला है, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सो बिल्कुल मैप वैप में तो हम सही जगह पर हैं। सो ठीक है एस्ली, जस्ट मेरे पीछे रहना, देखते हैं यहाँ पर कौन होने वाले हैं। Hey Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Too bad. I think you'd look pretty dashing. भाई एस्ली भी लियोन के मजे लेती रहती है, बोल रही है जो भी यहाँ पर ये आर्मर है ना, मतलब ये स्टैचू वगैरह, बोले इनको तुम एज अ बुलेट प्रूफ जैकेट यूज़ कर सकते हो। कोई बात नहीं है असली, देखते हैं। और ये साले हैं क्या यार, ये असली हैं कि नकली हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये देखो दूसरी मुंडी अपने को जस्ट नीचे मिलने वाली है। वैसे यहाँ पर कोई गुंडे दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन भाई ये इतनी आसानी से तो हमें देने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ पंगा जरूर होगा। बट वो तो ना अपने को पता चलेगा उस हेड को उठाने के बाद ही। बट नीचे चलने से पहले सारी चीज़ों रिलोड वगैरह तो मैं कर ही लूँगा। Ashley, stay up there. Okay, be careful. सो भाई हेड तो हम उठाते ही रहेंगे, बट सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम लूट लेते हैं। हैवी ग्रेनेड क्यों दे रहे हो भाइयों, यहाँ पर कोई पंगा होने वाला नहीं है, या फिर हो भी सकता है। मुझे लगता है ये जो स्टैचू है ना, ये आर्मर वाले जिनके पास सील्ड है, ये साले यहाँ पर जाम हो गए हैं, पहले इसकी रक्षा करते रहे होंगे। ठीक है भाइयों, ऐसे जाम रहना, मैं अपने काम करके तुरंत निकल जाऊंगा यहाँ से बिना आप लोगों को डिस्टर्ब किए हुए। सो भाई बहुत हो गई लूटा लाटी, चुपचाप से उठाते हैं इस हेड को और निकलते हैं यहाँ से। ओए ये क्या हो रहा है यार, ओ भाई ये साले चल भी सकते हैं क्या, और इन पे गोलियां काम भी नहीं कर रही यार, बुरे लगने वाले हैं अपने। यार मैं इतने मजे से काम कर रहा था कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली अपने को, बट सबसे पहले मैं मेडिसिन वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि इनको मारना ना बहुत मुश्किल होने वाला है अब। आ जाओ सालो, एक तो गया। अच्छा मुझे इनके आर्मर के ना बीच से मारना पड़ेगा गोली, दूर चल साले। अरे कोई दो तो निपटा दिए, अच्छा ये साले दो दो के उसमें आएंगे पैटर्न में, अब दो को मारेंगे जब दो आएंगे, कोई बात नहीं, बस सालो तुम तलवार मत मार देना मुझे। अच्छा एस्ली ने ऊपर से ब्लू लाइट फेंकी और ये साले मूव करना बंद कर दिए, थैंक यू एस्ली। वैसे एस्ली भी अब हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है भाई, ये तो जाम ही सही था यार।
ठीक है सर, नेक्स्ट। और कहाँ है? अच्छा ये रहा, आजा भाई स्लो मोशन। ओए ये तो ऊपर से भी जंप कर रहे हैं, बच के बच के बच के। अच्छा एसली ने फिर से हमारी मदद की, रुक जाओ इसको तो मैं किक मारता हूँ साले को। दूर चलो, ये हेलीकॉप्टर जैसे ना अपने सर को घुमाते रहते हैं। अरे मैं उसमें गोलियां क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। एक तो ये जाम रहते, मैं इनको से इनको लात मार के ना फिर से वो कर देता हूँ। ओके जो हैवी ग्रेनेड मिला था ना उसका यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तो गया, भाई ये कितने हैं यार, मर क्यों नहीं रहे हैं साले, मर जा बे। चलते तो बन नहीं रहा है और इनको तलवार मारनी है मुझे। भाई फिर से मेरी गोलियां खत्म, वैसे एक शॉटगन की गोली है मेरे पास। ये किक बढ़िया थी। आई एम ओके एसली। भाई ये क्या था यार, 99 nights। Thanks. You sure you're all right? You're not burned, are you? No. Thanks for your help. I really did the trick. अच्छा इस यहाँ पर ना, यहाँ पर कुछ हैंडल टाइप का दिया हुआ है। Hey. एक साइड से एसली उसको खींचेगी और एक साइड से मैं। ओके शायद ये गेट खुल जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ें अपने से छूट तो नहीं रहे हैं, और फिर चलते हैं हम तीसरे हेड के लिए। वैसे दो में तो भाई काफ़ी मारा मारी हो गई, तीसरे में पता नहीं क्या होने वाला है। चलो इसलिए यहाँ से हम चलते हैं और बचने की कोशिश करेंगे। भाई पता नहीं क्या चल रहा है भाई। क्यूबिक डाइस, ओके ये सारी चीज़ें बेचने में काम आएंगी। हट साले चूहे। हैवी ग्रेनेड फिर से मिल चुका है और मैं अपने वेपन्स को थोड़ा सा रिलोड वगैरह करके ना आगे बढ़ूंगा। अच्छा शायद हम ये मेन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं और हमें चलना है इस बीच वाली जगह पे। ओके और भाई अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस मिशंस को चेकआउट नहीं किया है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और मैंने नई सीरीज़ भी चालू की है डाइंग लाइट करके, वो भी बेसिकली एक जॉम्बी सर्वाइवल गेम है। सो आप लोग उसको भी चेकआउट करके प्लीज़ अपने कमेंट जरूर बताना। यार एक तो ये चूहे भाग रहे हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा तीसरा हेड तो अपने को सामने दिख रहा है, लेकिन भाई यहाँ पर क्या होने वाला है? एक में तो वो तांत्रिक, दूसरे पे वो आर्मर वाले, और यहाँ पर क्या होगा यार? यहाँ पर तो कोई वैसे गुंडे वगैरह स्टैचू वगैरह दिख नहीं रही है। क्या ये बर्तन वर्तन तो नहीं लड़ने वाले अपने से? ये डाइनिंग हॉल है और ये कौन है? स्टैचू वगैरह लगी हुई है, राजा रानी थे शायद यहाँ पर बैठ के खाना खाया करते थे। ओके इसमें क्या है फोटो पे ऐसा यार जो हमें पास से देखना पड़ेगा? दो नाइफ, एक ग्लास और एक प्लेट। अच्छा मे भी कोई पजल हो सकती है इस वाले हेड को पाने के लिए। भाई बिल्कुल हो सकती है यार, दो में मारा काटी तो तीसरे पे पजल तो हो सकती है। इसमें क्या है? तीन नाइफ, एक दारू की बोतल, एक बन। अच्छा सारा मामला ना अभी क्लियर हुआ, मतलब जो पीछे साइड अपने डाइनिंग टेबल दी गई है ना
सो राजा के टेबल में शायद मुझे बैठना है और रानी के टेबल में मे बी एसली को। और उसी ऑर्डर पे जैसे उनकी प्लेटें रखी गई हैं। ओके ढूंढते हैं रानी के टेबल पे क्या था भाई। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो क्या थे, दो नाइफ था और एक ग्लास था शायद। अच्छा एसली पहले से बैठ गई वहाँ पर। अब मैं अपनी सीट ढूंढ के देखता हूँ। Ashley. No problem. अच्छा हम ऑर्डर देके ना एसली को इस सीट से उस सीट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सही है। नहीं यहाँ पर बॉटल वगैरह सारी दी हुई हैं लेकिन यहाँ पर तीन चाकू तो नहीं है भाई। वैसे गजब का गेम है यार, मानना पड़ेगा। पजल भी चलाओ, मतलब सॉरी दिमाग भी चलाओ और गोलियाँ भी चलाओ। भाई यार मैं तब से बातें कर रहा हूँ, मेरी सीट कहाँ है यार। अच्छा शायद ये है, एक इसमें एक दारू की बोतल रखी हुई है, तीन चाकू रखे हुए हैं। एक काम करता हूँ बैठ के देखता हूँ कि ये वाला है। अच्छा ये है शायद, इसमें रखा हुआ है जो भी हो भाई। कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। मेरी सीट तो भाई कंफर्म, मेरी सीट सही है। मुझे एसली की सीट को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, वो सही जगह पे बैठी है या फिर नहीं। Have a seat. इसमें बैठा के देखते हैं। वैसे यार एसली सही थी, वो पहले से अपनी सीट में बैठी हुई थी, मैंने उसको उठा दिया था। अभी तो बात बन जानी चाहिए यार। ओ क्या बात है, Looks like we figured it out. वैसे ये बढ़िया था यार, इसमें ज़्यादा हमें मार काट भी नहीं करनी पड़ी और तीसरा हेड भी अपने को मिल गया। लेकिन अभी अपना शायद मुझे लगता है खतरा टला नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है यार जब इस गेट के बाहर निकलेंगे हम। सो फटाफट हम यहाँ से निकलते हैं और अपने तीनों हेड को इस स्टैचू पर लगाते हैं और उसके बाद भाई यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो यार इनको किस ऑर्डर पे लगाना है? मैं इसको लगा दिया लायन को, और ये गोट, और ये अपना सांप। सो फाइनली भाई इतनी मेहनत करने के बाद गेट खुल चुका है अपना। ओए ये कौन लोग हैं भाई? Leon, the stairs. तुम कहाँ थे यार सालों, थोड़ा सा पहले आ जाना था तुमको। भाई ये क्या चल रहा है यार, इन्होंने मुझे बंद कर दिया। और एसली तुम तो भाग लो यार, मैं इनसे निपटता हूँ पहले। और भी है कोई? आ जाओ सालों। नहीं, ये एसली के पीछे पड़े यार, अगर वो पकड़ी गई ना तो अपना मिशन खतरे पे आ जाएगा। I won't run. Wait for me, Leon. So, भाई इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपको किसी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक मैं आपसे लेना चाहूँगा बाय।